अर्जुन और काशवी, आज तो सैटरडे है, क्या आप दोनों ने बना लिया है पार्टी प्लान? अगर पार्टी प्लान नहीं तो कम से कम चले जाइए आप दोनों एक अच्छे से कैंडल लाइट डिनर पे। देखिएगा, मिलेगा आपको एक दूसरे के साथ वक्त। फिलहाल लेकर चलते हैं आपका इन दोनों के पास और जानकर आते हैं क्या है इनकी कहानी का अपडेट। शुरू हुई काशवी और आदि की हल्दी की रस्म। हल्दी की रस्म में हुआ अपशगुन। क्या हार जाएगी अर्जुन की चाहते? स्टार प्लस के सीरियल ये है चाहते में अर्जुन ने तो आदि को चैलेंज कर दिया है कि वो शादी पर ब्रेक लगाकर रहेगा। ऐसे में आज काशवी और आदि की हल्दी की रस्म है और इस हल्दी की रस्म में शुरू हो गया है ड्रामा, क्योंकि यहाँ पर पहुँच गई है आदि की मम्मी, जिन्हें पता ही नहीं था कि आदि शादी करने जा रहा है। तू शादी कर रहा है और अपने मॉम को बताए भी ना? हाँ, तूने तो मुझे शादी पर बुलाया नहीं, लेकिन मैं यहाँ फिर भी आ गई। और अभी हल्दी तो क्या, मैं ये शादी भी नहीं होने दूंगी। शादी को लेकर ना मुझे किसी से कोई डिस्कशन करना है और ना ही किसी की कोई एडवाइस चाहिए, इवन मॉम से भी नहीं। ये फैसला मेरा है और मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा कि मैं काशवी से बहुत प्यार करता हूँ और मेरी और काशवी की शादी होकर रहेगी। जब काशवी मुझसे पूछती है कि भाई तुम्हारी फैमिली से कौन कौन आएगा, तो मैं मना करता हूँ कि नहीं, मेरी फैमिली से कोई नहीं आएगा, क्योंकि मैं अपनी मॉम को जानता हूँ। और कोई भी माँ अपने बेटे के लिए, मतलब वो तो कभी नहीं चाहेगी कि उसकी शादी एक ऐसी लड़की से हो जिसका कभी अतीत हुआ करता था या उसकी कोई शादी हुई थी जिसमें तलाक हो गया था। तो कोई भी माँ, जाहिर सी बात है, वो तो मुझे पता था कि माँ ये एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए मैं माँ को नहीं बुलाता हूँ। लेकिन बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते कि मेरी और काशवी की शादी हो, इसलिए इधर उधर का प्लानिंग करके वो माँ तक ये न्यूज़ पहुँचा देते। और माँ तो माँ होती है, माँ कभी गलत हो नहीं सकती है। वो अपने बेटे को बचाने के लिए यहाँ पे, सिर्फ उन्होंने मेरा काम कान नहीं पकड़ा है, बाकी तो इधर उधर की सुनाई है कि क्यों कर रहा है, और वो रोकने की कोशिश कर रही है। भाई आदि ये अच्छे से जानता है कि ये सारा किया धरा अर्जुन का है, लेकिन अब आदि ने भी जिद ठान ली है काशवी से ब्याह रचाने की। ऐसे में आदि की माँ को मानना ही पड़ता है और शुरू हो जाती है आदि और काशवी की हल्दी की रस्म। एक एक कर सभी आदि को हल्दी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आ जाता है ट्विस्ट, क्योंकि वो हल्दी पड़ने लगती है काली। ऐसे में माँ तो माँ होती है, वो इस हल्दी की रस्म में अपशगुन का नाम लगा देती है। तो वही है कि एक फूल दो भंवरे, अभी जो चल रहा है उसमें अर्जुन ने चैलेंज किया है कि वो कुछ भी करके काशवी को पाएगा, और मैंने उसे चैलेंज ये किया कि कुछ भी करके सच्चा प्यार जीतेगा। तो आज भी उसने ऐसी कोई कोशिश की है कि हल्दी में कुछ एक कुछ मिलाया है जिसकी वजह से हल्दी जैसे ही स्किन को टच करेगी तो वो हल्दी काली पड़ जाएगी। और जस्ट बिकॉज मॉम तो वैसे भी नहीं चाहती थी, और हमारी सबकी माताएं थोड़े से अंधविश्वास में रहती हैं, अंधश्रद्धा होती हैं, उनको सुपरस्टिशियस बिलीफ होता है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ये अपशकुन होता है। तो ये कोशिश उसी की है, ये उसी का प्लान है जो नहीं चाहता कि मेरी और काशवी की शादी हो। भाई वाकई इस काली हल्दी ने तो हल्दी की रस्म में ट्विस्ट ला दिया है और ब्रेक लगा दिया है, लेकिन काशवी ने भी हार नहीं मानी। उसने भी जिद ठान ली है आदि से शादी करने की। ऐसे में वो भी लेकर आ जाती है दूसरा सलूशन, क्योंकि उसे तो अर्जुन को हराना है। काशवी के चेहरे पे तो हल्दी लगी नहीं पाई है ना, मतलब हल्दी का फंक्शन अधूरा ही रह गया। कोई बात नहीं, शायद यही भगवान की इच्छा है कि काशु को हल्दी ना लग पाए। क्यों नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हल्दी का फंक्शन पूरा होगा। कैसे होगा? बस अब कोई भी इस हल्दी को अशुद्ध या फिर अपशगुन नहीं बोलेगा। हाँ, मैं मानती हूँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, लेकिन जब कुछ गलत होता है तो उसे सही किया जा सकता है। हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। इसका कोई सलूशन है ही नहीं। इसका सॉल्यूशन है ये, अब इस क्रीम के साथ ही हल्दी का फंक्शन किया जाएगा, क्योंकि
इस क्रीम का कलर भी हल्दी के रंग जैसा है और इसका मेन इंग्रेडिएंट भी हल्दी है। यही बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि डेफिनेटली वो नहीं चाहता कि ये शादी हो, लेकिन काशवी भी उतना ही स्ट्रांगली चाहती है कि मेरी और उसकी शादी हो जाए। सो वो बहुत कोशिश करेगा रोकने की, लेकिन जैसे एंगेजमेंट रोकने की भी कोशिश की लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हुआ और हमारी एंगेजमेंट हो गई। हल्दी में भी काशवी सॉल्यूशन लेकर आ गई, उसने वो हल्दी भी कंप्लीट कर ली। सो अब संगीत भी आएगा और उसके बाद शादी भी होगी, तो ऑडियंस को बहुत मज़ा आने वाला है। फुल ड्रामा मिलेगा, फुल इमोशंस मिलेगा और साथ में एंटरटेनमेंट भरपूर मिलेगा। लीजिए, काशवी की सूझबूझ से हल्दी की रस्म पूरी हो चुकी है। अब देखना होगा कि इसके बाद की रस्मों में अर्जुन कौन सा ट्विस्ट लेकर आएंगे। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट और आपको रखते हैं अप टू डेट। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। और हाँ, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं ना, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।